सोने से पहले महिलाएं करें ये पांच काम, बढ़ेगी सुख समृद्धि। हिंदू धर्म में घर की स्त्री को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि जिस घर पर स्त्री प्रसन्न रहती है वहां माँ लक्ष्मी का वास होता है और उनकी कृपा बरसती है। वही जिस घर पर स्त्री दुखी रहती है वहाँ दुखों का अंबार लग जाता है। स्त्री द्वारा किए कामों का प्रभाव भी घर परिवार पर पड़ता है। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है जिससे घर की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। दरिद्रता का नाश होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर कृपा बरसाती है। लेकिन इन उपायों को महिला सोने से पहले करें तभी इसका लाभ मिलता है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। नंबर एक, वास्तुशास्त्र के अनुसार रात्रि में सोने से पहले महिला कपूर जलाकर पूरे घर पर दिखाएं। इस उपाय को करने से नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है। साथ ही पारिवारिक मतभेद भी समाप्त होते हैं। वहीं बेडरूम में कपूर जलाकर दिखाने से पति पत्नी के वैवाहिक रिश्ते में मधुरता आती है। नंबर दो, रात में सोने से पहले महिला को घर के प्रवेश द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती है। नंबर तीन, घर की महिला सोने से पहले पूजा घर में धूप दीप अवश्य जलाएं। इसके बाद पूजा घर के मंदिर में पर्दा लगाकर सोएं। नंबर चार, सोने से पहले हाथ पैर अच्छे से धोकर कम से कम 5 मिनट अपने इष्ट देवता का ध्यान करें और इसके बाद सो जाएं। नंबर पाँच, आमतौर पर लोग सोने से पहले घर के सारे लाइट बंद कर देते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि घर का दक्षिण पश्चिम कोना अंधेरा न हो। इसलिए आप सोने से पहले यहाँ एक दीपक जरूर जला दें। यदि दीपक जलाना संभव न हो तो इस दिशा में एक छोटा सा बल्ब लगा दें। इस दिशा में रोशनी होने से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। आपको ये वास्तु टिप्स कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।